أعوذ بالله من الشيطان أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال تعالى وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها آج درس سورة بقرة کی آیت نمبر 61 سے تفسیر کا رب العزت इस आयत में इर्शात फरमाते हैं और तर्जमा करने से पहले ये बता दूँ कि गुज़्त आयात में जो सिलसिला जारी था वही सिलसिला इस ऐत में भी जारी व सारी है अल्लाह ताला गुज़त आयात में बनी इसराइल पे अपनी किए गए एहसाना का तजकर फरमा रहे हैं और साथ ही बताते हैं कि बनी इसराइल का अल्लाह के एहसानात के मुकाबले में क्या रवैया था कैसे वो सरकशी की राख तैयार करते थे नाफरमानी की राख तैयार करते थे यही कुछ अल्लाह इज्जत इस आयत में और बाद वाली आयत में भी बता रहे हैं तो अल्लाह तला कहते हैं और याद करो उस वक़्त को जब तुमने कहा ए मूसा हम हर गिस सबर नहीं करेंगे एक ही खाने पर तो आप दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो निकालें हमारे लिए उस से जो ज़मीन उगाती है ज़मीन की सब्ज़ियों में से ज़मीन की ककड़ियों में से ज़मीन की गंदम में से ज़मीन की मसूर में से ज़मीन के प्याज में से काला अतसदिलून लदी हुआ अदना बिल लदी हुआ खैर तो उसने कहा क्या तुम उस चीज़ के बदले में जो बेहतर है उस चीज़ को मांग रहे हो जो हकीर है जो हल्की है एहबित मिसन फ़ैन्दुमसअल तुम किसी भी शहर में तुम उतर जाओ बस बेशक तुम्हारे लिए वो होगा जिसका तुमने मुतालबा किया है जिसका तुमने सवाल किया है वतिल्लतमस्कना और उन पर जिल्लत और मस्किनी व फ़कीरी डाल दी गई वबाऊ बदब मिनल्ला और वो अल्लाह की तरफ़ से बहुत बड़ा गज़ब लेकर वापस आए ये इस वजह से कि वो अल्लाह की आयतों के साथ कुफर किया करते थे और नबियों को नह कतल किया करते थे जाल माँ असोकान या ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से तजावज़ किया करते थे ये आयत नंबर इक्सठ का आसान तर्जमा था अब हम इस ऐद के अल्फाज और मुफरदात की तरफ आते हैं ईद का मना क्या है जब जरफ है कुल तुम तुमने कहा यह जमा का लफज है और फेल मादी है तुमने कहा मुखातब कौन है बनी इसराइल तुमने कहा या मूसा ए मूसा लन नसबिरा लन नफी के लिए आता है बल्कि नफी की ताकीद के लिए आता है कि हम कतान सबर नहीं करेंगे हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे नसबिर फेल मुदारे है और जमा के लिए है जमा मुतकल कि हम हरगिर सब्र नहीं करेंगे अला ताम इन वाहिदिन एक ही किस्म के खाने पे। ताम खाने खाने वाली चीज को कहते हैं वो कोई भी हो तो वाहिद उसकी सिफत है कि एक ही किस्म का खाना फज फा का मैं क्या है पस उद उ फेल अमर है और वाहिद के लिए एक आदमी के लिए है मुखातब कौन है मूसा आल्लाम मूसा आलाम से बनी इसराइल कह रहे हैं उदर उ ए मूसा आप दुआ करें लना हमारी खातर हमारे लिए किससे दुआ करें रब्बा का अपने रब से यु के वो निकाले कौन निकाले अल्लाह अल्ला ताला तुम्हारा रब निकाले यु खुरिज फेल मुदारे है और वाहिद के लिए है फाइल कौन है अल्लाह ताला अल्लाह ताला निकाले लना हमारे लिए हमारी खातर मिम्मा उसमें से मिम्मा असल में क्या था मिनमा मा इस इसम मौसूल अल्लादी के माने में उस चीज में से मा तुम बितुल अर्दू जिन चीज़ों को कौन उगाती है जमीन तुम भी तो तु। फेल मुदारे है मोनस के लिए है तुम भी तो उगाती है कौन उगाती है जमीन अलर्ज जमीन का लफ अलअर्ज का लफ्त चूंकि अरबी में मोनस है तो इसलिए तुम भी तो तु फेल मुदारे मोनस आया है कि अल्लाह निकाले हमारे लिए उन चीज़ों में से जिनको कौन उगाती है ज़मीन उगाती है अब उसकी मिसाल क्या है जो चीज़ें हम चाहते हैं जमीन की उगाई हुई चीज़ों में से जो चीजें हम चाहते ची हैं उन चीजों की मिसाल क्या है मिन बकलीहा तो ये मिन कौन सा है बयानिया किसका बयान है माँ तुम बितुल अर्दू के मा का कि हम जमीन निकाले हमारे लिए उन चीजों में से जो जमीन उगाती है जमीन जो उगाती जो क्या जो जी उसकी वजात के लिए आया मिन बकलीहा उसकी मिसाल क्या मिन बकलीहा जमीन की सब्जियां तरकारियां बकल किसको कहते हैं सब्जियों को तरकारियों को बकल उन चीजों को कहते हैं जो तो जमीन से उगती हैं और जिनका तना नहीं होता वाह किस्सा किसको कहते हैं ककड़ी को आपने ककड़ी देखी होगी जिसका जायका खीरे से मिलता जुलता है लेकिन खीरे के मुकाबले में लंबी होती है लंबी होती है उम्मीद है कि आपके जेनों में आ चुकी होगी वफूम यहा फूम से क्या मुराद है फूम के दो माने किए गए हैं नंबर एक गंदम और यह मौकफ़ है अब्दुल्ला अब्बास रजी अल्लाह तला नुमा का और इसी मौकफ के मुताबिक फूम की तफसीर की है इमाम मुजाहिद ने रोटी क्योंकि गंदम की रोटी बनेगी और दूसरी तफसीर फूम की की गई है लहसन वो आधा सीहा यह दाल का नाम है कौन सी दाल मसूर और बसल किसको कहते हैं प्याज को काला उसने कहा किसने कहा मूसा आलाम ने तो इसमें दो इस्तेमाल है मूसास्लाम का भी इस्तेमाल है और यह भी इस्तेमाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा हो ज्यादा यहां से यह महसूस हो रहा है कि जैसे मूसा आल इस्लाम ने उनको डांटा हो तो कहा अतस्तब दिलू नल्लदी हुआ अदना बिल्लदी हुआ ख़ैर हमजा यहाँ पे इस्तेफाम के लिए है सवाल करने के लिए है लेकिन ये सवाल मलूमत लेने के लिए नहीं है ये सवाल उनको डांटने के लिए है उन पर इनकार करने के लिए है कि क्या तुम उस चीज के बदले में जो बेहतर है वो चीज मांगते हो जो हल्की है अल्लाह ने तुमको क्या दिया है मन और सलवा अल्लाह ने तुम्हारे लिए पानी निकाल दिया है पत्थर से अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं तुम्हें थकने की जरूरत नहीं मुशक्कत की जरूरत नहीं तुम तो मन सलवातर तर करके प्याज चाहते हो दाल चाहते हो मन तर करके सब्जियां चाहते हो तो हमजा फिर किस लिए है डांटने के लिए इनकार करने के लिए और तस्तलून फेल मुदारे है जमा के लिए है तुम बदले में चाहते हो मुतबादल के तौर पे चाहते हो सीन सवाल करने के लिए तलब करने के लिए अलदी हुआ अदना वो चीज हुआ अदना जो क्या है हल्की है यानी कि तुम उस चीज को चाहते हो जो हल्की है ये चीजें जो तुम मांग रहे हो ये हल्की सी हैं हकीर सी हैं और तुम ये चीजें चाहते हो बिलदी उस चीज के बदले में अल्ली हुआ खीर जो चीज खैर बेहतर है अफजल है उम्दा है इह एहबितु क्या मैंने इसका यह भी फेल अमर है तुम उतर जाओ मिसरन शहर मिसर की जगह क्या अमसार मिसर से मुराद यहां पे मुल्के मिसर नहीं है मुल्के मिसर होता तो लफज क्या होता इह बितु मिसरा कि पे तनवीन नहीं आनी थी अगर तनवीन के बग़ैर हो तो फिर मुल्के मिसर मुराद होना था अब तनवीन आ गई मिस्रन इसका मतलब यह है कि ये मुनसरिफ है और कोई भी शहर मुराद है ए बेतु मिस्रन किसी भी शहर में चले जाओ अगर तुमको चाहिए सब्जियां अगर तुमको चाहिए ककड़ी अगर तुमको चाहिए प्याज किसी भी शहर में चले जाओ इसके लिए अल्लाह से दुआएँ करने की ज़रूरत नहीं है ये तो अल्लाह की नियमत पहले से ज़मीन पर मौजूद है फ इन नकुम <पल्ण> मास तुम तुम्हारे लिए वो है वो होगा जो तुमने मांगा है जो तुम सवाल करोगे इन्ना का मैंने क्या बेशक लकुम तुम्हारे लिए होगा मासअल तुम मा बिमानदी से मसूल जो भी तुमने मांगा है सल तुम फेल मादी है जमा करिए तुमने मांगा तुमने सवाल किया यानी कि किसी भी शहर में चले जाओ तुम्हें उस शहर में वो सब कुछ मिलेगा जिसका तुम सवाल करते हो जो तुम चाहते हो जो तुम्हारी ख्वाहिश है वुरी बत फिर मादी है मजहूल के लिए है डाल दी गई अलैहिम उन पे किन पे इन बनी इसराइल पर अजिल्त ज़िल्लत और क्या डाल दी गई मस्कीनी फकीरी यानी के मस्कीनी और ज़िल्लत उनके ऊपर डाल दी गई और उनका साथी बना दी गई हमेशा उन पर ज़िल्ल रहेगी हमेशा उन पर मस्किनी रहेगी ये मतलब है व बाऊ बा मादी है और जमा के लिए बाऊ बामाना राजाऊ वो लौटे वो वापस आए बे बि गजा बिन गज़ब के साथ गज़ब किसका का मिनल्ला अल्लाह का वो अल्लाह के गज़ब के साथ वापस आए जाली का ये इशारा किधर है जी ये इशारा है उस जिल्लत की तरफ जो उनके ऊपर डाल दी गई और उस गजब की तरफ जो लेकर वो वापस आए ये दोनों चीजें क्यों थीं इसलिए वो कुफर किया करते थे अल्लाह के आयतों के साथ फलून फिल्म उदारे है वह और कतल करते थे फिल्म उदारे है जमा के लिए है वह कतल करते थे बगैर हक तौर पर नजायज तौर पर जाली का ये इसलिए यह भी बाबिया है यह इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की आसऊ फेल मादी है जमा के लिए है मासी से है उन्होंने नाफरमानी की वकान या तदून और वो हाथ से तजावज करते थे या तदून फेल मुदारे है जमा के लिए है एतदा या तदी ए हाथ से तजावज करना हाथ से आगे निकल जाना अब हम आते हैं सियाद की तफसर की तरफ और उस वक्त को याद करो जब तुमने कहा ए मोसा हम हर गज़ सब्र नहीं करेंगे एक ही किस्म के खाने पे ये उनकी तरफ से नाशुरी है अल्लाह इज्जत उन्हें बेहतरीन रिजक दे रहे थे मेहनत के बगैर मुशक्कत के बगैर हलचलाए बगैर उनको चाहिए था कि अपने फारग अवत को किस में गुजारते दीन का इलम लेने में मूसा से शरियत सीखने में जिहाद की तैयारी में लेकिन उन्होंने इसके बजाय क्या चाह कि हम वो चाहते हैं जो जमीन उगाती है इनके हमें खेती बाड़ी करना मंजूर है लेकिन हमें वो चीजें चाहिए जो जमीन से होती हैं आसमानी नियमते हमें नहीं चाहिए मानो सलवा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए हमें वो चीजें चाहिए जो जमीन उगाती है यहां पे आप एक चीज देखें कि उन्होंने मूसा इस्लाम से क्या कहा कि आप हमारे लिए अपने रब से क्या करें दुआ करें।, करें।, करें अपने रब से ये नहीं कहा कि हमारे रब से यह उनका लफज भी उनकी सरकशी पेदला करता है कि आप अपने रब से मारे लिए दुआ करें जैसा कि उन्होंने कहा था जब मूसा आलाम ने हुक्म दिया था शाम में दाखिल होने का बैतुलमकदस में दाखिल होने का कि अल्लाह आपको फतह देगा आप दाखिल हों जिहाद के लिए तैयार हों लड़ने के लिए तैयार कहाता आप और आपका रब जाएं आप लोग जिहाद करें लड़ें हम तो यहां पे बैठे हुए हैं यही अंदाज उनका यहां पे है कि आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें लेकिन उन्होंने क्या कहा है? अपने रब से दुआ करें हमारे लिए नबी से दुआ का मुतालबा करना ये नबी की दुआ का वसीला है और दुआ में दुआ करते हुए नबी को वसीला बनाना या किसी नेक आदमी को वसीला बनाना यह जायज है क्या मतलब मेरे जुमले से कोई गलत अकीदा अखजना कर ले कहना यह चाहता हूं कि आप नबी से आकर कहें जबकि नबी जिंदा हो आप किसी वली से कहें जबकि वली जिंदा हो कि आप मेरे लिए दुआ करें तो ये उस बुजुर्ग उस नबी की दुआ का वसीला हो गया तो किसी भी नबी की दुआ को वसीला बनाना किसी वली की दुआ को वसीला बनाना जायद है बिल्कुल दुरुस्त है साहबा नाम भी नबी अली सात उसम के पास आते थे और आपसे दुआ की दरखास्त किया करते थे और आप उनके लिए दुआ करते थे लेकिन जब आप फौत हो गए अब आपसे दुआ करवाना मुमकिन नहीं।, नहीं।, नहीं है क्योंकि आप कबर में जा चुके हैं व मात भी मुस्मिकबूर अल्लाह कहते हैं जो भी कबरों में जा चुके उन्हें आप अपनी आवाज नहीं सुना सकते अल्लाह तला कहते हैं मऊता फौजगाम को आप अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते तो अब आपसे दुआ का मुतालबा करना गलत है और अब आपको दुआ के लिए पुकारना गलत है अब आपको पुकारा जाएगा तो वो गैरुल्ला को पुकारना होगा और वो दुरुस्त नहीं है इससे हमें रोका गया है तो जिंदा नबी से दुआ करवाना बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे बनी इसराइल ने यही तरीका इख्तियार किया है कि आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि यु खरिजन कि वह हमारे लिए निकाले क्या निकाले उन चीजों में से निकाले जो ज़मीन उगाती है और उसकी मिसालें भी उन्होंने दी बक लिहा सब्जियां वसा ईहा ककड़ी वो मीहा गंदम वगैरह विया मसूर की दाल वसर लिया और प्याज और बक लिहा यहा यह जमीर किधर जा रही है जमीन की तरफ अल अलर्द की तरफ इसलिए यह जमीर मोलनस आई है अल अलअर्द का लफज अरबी में मोलनस है आला, तो उसने कहा अत दिलून क्या तुम उस चीज को हुआ अदना जो हल्की है उस चीज के बदले में चाहते हो जो उम्दा है यह भी यह मुतालबा भी उनकी सरकसी पे दलाल करता है तो अल्लाह ताला ने और मूसा सलाम ने उनको शर्म दिलाई कि अल्लाह ने तुम्हें उम्दा चीज़ें दी हैं तुम उनके बदले में हल्की चीजें मांग रहे हो तुम्हारा ये तुम्हारी दुआ यह गलत है तुम्हारा यह मुतालबा गलत है इससे पता चला कि इंसान कई दफा अल्लाह तला से वो चीज मांग रहा होता है जो उसके अपने हक हाँ में मुफीद नहीं होती लेकिन इंसान जाहिल है और फिर ये भी कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही अल्लाह तला कई दफा इंसान पर रहम करते हैं कि उसकी दुआ कबूल नहीं करते यहां पर इनकी दुआ भी कबूल नहीं हुई फरमाए बितु मिसरन किसी भी शहर में चले जाओ फुम तुम्हें वो कुछ मिलेगा जो तुम मांग रहे हो जिसका तुम सवाल कर रहे हो इसके लिए तुम्हें दुआएं करने की जरूरत नहीं है है गुरब मस्कना और उन पे जिल्लत डाल दी गई उन पर मस्किन डाल दी गई वबाऊ बज़ब मिनल्ला और वह लौटे अल्लाह के गज़ब के साथ इससे पता चला कि अल्लाह की सिफात में से एक सिफत क्या है कि अल्लाह किसी ना किसी पे गज़ब करता है नाराज हो जाता है जैसे अल्लाह कई बंदों पे रादी होता है कई लोगों से मोहब्बत करता है ऐसे अल्लाह ताला कई लोगों पे नाराज होता है गैरिलमकूब आलि मज़्लिन वहाँ पे हमने क्या कहा था कि रास्ता उन लोगों का जिन पे तेरा इनाम हुआ जो मकजूब आलिम नहीं है जिन पर गज़म नाजल नहीं हुआ मकजूब आलिम कौन है जिन पर गज़ नाजल हुआ कौन है वो यहूदी हैं और उन जैसे दीगर लोग तो अल्लाह ताली कई लोगों पर ग़म नाजल फरमाता है तो ये अल्लाह की सिफत है और हम अल्लाह की इसकी सिफत को मानते हैं तो अल्लाह इज़्ज़त की दीगर सिफात की तरह सिफत गज़ब भी हम मानते हैं और इसे हकीकत पर महमूल करते हैं लेकिन हम अल्लाह की सिफात को मखलूक की सिफात से तशबी नहीं देते हखलूक भी नाराज होती है इंसान भी गज़ब इख्तियार करता है गुस्से में आता है लेकिन इंसान के गुस्से में कई कमजोरियां हैं इंसान गुस्से में आता है तो उसकी रगें फूल जाती हैं गुस्से से लाल पीला हो जाता है मुंह से जाग निकलना शुरू हो जाती है ये इंसान के ग़ुस्से की और गज़ब की कमजोरियां और ऐब हैं और अल्लाह ताला गज़ब इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला किसी पे नाराज होते हैं अल्लाह ताला किसी पे गुस्सा करते हैं लेकिन अल्लाह ताला के गजब में कोई कमज़ोरी नहीं है कोई ऐब नहीं है अल्लाह का ग़ब वैसे है जैसे अल्लाह के शया निशान है लेकिन अल्लाह की सिफत को मानना होगा तवील गलत है गुमराह फिरकों ने इसकी भी तावील की है क्या तवील की है कहते हैं जी गज़ब से मुराद अल्लाह ताला का ये इरादा करना कि किसी को अजाब दू किसी से इंतकाम लू इनके अल्लाह ताला का इरादा करना कि किसी को अजाब दू ये मान लिया ये मानने के लिए तैयार नहीं कि अल्लाह तला ग़ब करता है अल्लाह ताला किसी पर नाराद होता है अल्लाह तला किसी पर गुस्सा करता है जबकि यह सिफत कुरान हदीस से सबत है बार बार सबत है मिसाल के तौर पर अल्लाह तला फरमाते हैं सुरता में कुलूमिन तला वहां पर भी बनी इसराइल को मुखातब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो रिजक हमने तुमको दिया है उसमें से जो पकीदा चीजें हैं उनमें से खाओ और सरकशी की राश त्यार ना करो सरकशी की राश त्यार करोगे तो तुम पे मेरा गज़ब नाजल होगा और जिस पे मेरा गजम नाजुल हुआ वो हलाक हो गया और हदीस मुखारी शिफ़ की हदीस है शिफात वाली वो लंबी हदीस उसमें ये आता है कि लोग जब मैदान हशन में होंगे गर्मी में होंगे धूप में होंगे पसीने में डूबे हुए होंगे सूरत हाल बर्दाश्त हो जाएगी तो फिर मुख्तलिफ अम्बिया कराम आर मुस्तात नाम से शिफात के लिए रब्ता करेंगे हर नबी इबादत करेगा और हर नबी यह कहेगा इन रब्बी قد غضب बल غضبا لم लम यग दब कब लहू मिसला वल यग दब मिसला मेरा रब आज गुस्से में है लफज क्या जी आज गुस्से में है इतने गुस्से में पहले कभी नहीं हुआ और ना ही इतने गुस्से में बाद में कभी होगा इससे पता चला कि गजब अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है और ये अल्लाह की फेली सिफत है अल्लाह जब चाहता है पे चाहता है गजब करता है नाराज होता है और जब अल्लाह तला चाहता है नाराज नहीं होता तो अल्लाह तला की इन सिफात पर ईमान लाना चाहिए अल्लाह तला की इन सिफात से हम अल्लाह के करीब होते हैं जब अकीदा सही हो जिसका अकीदा सही होगा कि अल्लाह सुनता है वह गुफ्तगु करते हुए डरेगा कि मेरा यह जुमला कहीं ऐसा ना हो जिसे सुन के रब नाराज हो जाए जिसका अकीदा होगा कि अल्लाह रबलत कलाम करता है तो वो कुरान कली मोहब्बत से पढ़ेगा मेरे रब का कलाम है और जो कलाम की तावील करता होगा उसका नजरिया ये होगा कि ये माने अल्लाह की तरफ से हैं मफहूम अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह तो कलाम करते हैं तो कलाम नफसी होती है उसके हरूफ नहीं होते उसकी आवाज नहीं होती इसका मतलब ये कि आवाज फिर किसी और की है जबरीलम की है किसी और की है जबकि हमारा अकीदा ठीक है और हम पढ़ते हुए हमदुल्ला लुत्फ लेते हैं कि ये एक एक लफज एक एक हर्फ़ मेरे रब का कलाम है सही अकीदा होगा तो आपको पता होगा कि अल्लाह कई कामों पर नाराज होता है फिर आप मालूम लेंगे किन किन कामों पर अल्लाह नाराज होता है आप उन कामों से दूर रहने की कोशिश करेंगे सही अकीदा इंसान को अल्लाह के करीब करता है सही अकीदा इंसान को नेक अमाल बजा लाने की तरगीब देता है सही अकीदा इंसान को हराम करदा कामों से बचाता है तो बरह अल्लाह की इस सिफत पर हमारा ईमान है कि वबा वो लौटे बे गद बिमिन अल्लाह अल्ला के गजब के साथ यानी कि उनका अंजाम क्या हुआ कि अल्लाह उनके ऊपर नाराज हो गए अब सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह क्यों नाद हुए सबब क्या है ये क्यों हुआ अल्लाह ने दो चीज दो सजाएं जिक्र की हैं उनकी नंबर एक कि उन पे जिल्लत डाल दी गई मस्किनी डाल दी गई दूसरे नंबर पे अल्लाह का गजम नाजुल हुआ ये दो सजाएं उनको क्यों मिली फरमाया दालिका ये इसलिए क्यों अन नबिया है ये इसलिए कि वह अल्लाह के आयतों के साथ कुफर करते थे और नबियों को नहाक कतल करते थे अल्लाह की आयतों के साथ कुफर करना अल्लाह की आयतों को मानने से इनकार कर देना अल्लाह के आर्डर्स को मानने से इनकार कर देना यह क्या है बतारुलहक हक हक को ठुकरा देना हक को रिजेक्ट कर देना और नबियों को कतल करना क्या गम तोन्नास लोगों को हकीर जानना अल्लाह के वलियों को हकीर जानना इसलिए तो कतल करते रहे तो इसका मतलब यह है कि बनी इसराइल तकबर की इंतहा पे थे अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज कर देते और उसकी एक मिसाल आपने देखी है हुक्म दिया गया था कि जब तुम लोगों ने दाखिल होना है मकदस में तो क्या करना है हित्ता कहना है जुबान से हित्ता कहना है उन्होंने क्या कहा हबी शाह कहना था कि अल्लाह हमें मुआफ कर दे अल्लाह मुआफी माफी चाहते हैं उन्होंने क्या कहा हबी शारा कि हम चाहते हैं कि बाली में दाने ज्यादा से ज्यादा हों और उनसे कहा गया था कि तुमने बैतुलमकदस में दाखिल होते हुए खुशी व खजू अख्तियार करना है सईदा करते हुए दाखिल होना है और हदीस में आता है बुखारी शिम की हदीस है वो कैसे दाखिल हुए थे अपनी अपने सुरीनों के बल घिसटते हुए इनको हुक्म दिया गया था कि सर झुका के पिशानी जमीन पर रख के और वो ऐसे दाखिल हुए यानी कि अपने सुरीन बिल्कुल उल्ट दाखिल हुए आप इनकी सरकशी देखें भी भी ला। तो अल्लाह का गजब क्यों हाजिर हुआ इसलिए अल्लाह की आयतों के साथ कुफर करते थे वह नबी नबियों को भी कतल करते थे अल्लाह को सबसे बढ़कर महबूब बंदे कौन है अंबिया और हदीसे कुछ सी है मन आदली फकत आदन तो हो बिलहर जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखेगा वो मुझसे से जंग कर रहा है इन्होंने दुश्मनी क्या रखी इन्होंने तो कत्ल कर दिया और एक दिन में कई कई नबियों को कत्ल करते रहे जिन नबियों को कत्ल किया इन धालमों ने उनके नामों में जक्रिया इस्लाम का नाम भी आता है यही आल इस्लाम का नाम भी आता है कुछ मुफसरीन इस ऐद की तफसीर में यह लिखते हैं कि वह नबियों को कतल करने का इरादा करते थे इनके कतल करने में कामयाब नहीं हो खाश होती थी इरादा करते थे और यह तावील है ये दुरुस्त नहीं है उनकी राय यह है कि नबी को कत्ल करना मुमकिन नहीं है जबकि सही बात यह है कि उन्होंने नबियों को कत्ल किया और ए, इसके दलैल में से एक दलील वो हदीस है जिसे इमाम अहमद अपनी मुसन में लेकर आए हैं जिसमें नबी आल उस फरमाते हैं कि अल्लाह का अल्लाह का शदीद अजाब नाजल होगा उस आदमी पे अल्लाह शदीद देंगे उस आदमी को जिसने किसी नबी को कत्ल किया या जिसको किसी नबी ने कत्ल किया तो बहरहाल ये नबियों को कत्ल करते रहे और क्या फरमाया बगैरह न हक कत्ल करते रहे क्या किसी नबी का कत्ल जायज भी होता है ये उनके जुर्म की संगीनी को बयान करने के लिए ते नबी के नबी को जब भी कत्ल किया जाएगा नाहक कत्ल किया जाएगा और यह बियों को नह कत्ल करते रहे तो ये इनके बड़े बड़े जरायम हैं जिनकी वजह से अल्लाह के इनके ऊपर गज़ब नाजिल हुआ मासू जालिका ये इसमें इशारा दोबारा आ गया है अब इशारा किसकी तरफ है पहले तो हमने कहा था जालिका का इशारा है उस जिल्लत और मस्किनी की तरफ जो उनके ऊपर डाल दी गई हमने कहा था दालीका इशारा है उस गजब की तरफ जो उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ अब एक दफा फिर आ गया जालिका ये इसलिए रि क्यों नाफरमानी की ये क्या इशारा किधर जा रहा है इसके बारे में उलमाए कलम की दो राय हैं पहली राय यह है कि ये इशारा भी उसी की तरफ है अल्लाह का गजब क्यों नाज़र हुआ जिल्लत और मस्कीनी क्यों नाज़र हुई उसके दोस्त सब अल्लाह ने पहले बताए अब मजीद अल्लाह बता रहे हैं कि इस रिये भी को नाफरमानी करते थे और इस भी के वह हादसे तजावज करते थे और दूसरी राय यह है कि जालीका का इशारा है इस बात की तरफ कि उन्होंने कुफर क्यों किया उन्होंने नबियों को कत्ल क्यों किया उनका मामला इस हद तक क्यों पहुंच गया अल्लाह का गजब क्यों नाजुल हुआ क्योंकि कुफर किया अल्लाह का गजब क्यों नाजुल हुआ क्योंकि नबियों को कत्ल किया अब सवाल पैदा हुआ है कि कुफर उनसे सरजद कैसे हो गया नबी उनके हाथों कतल कैसे हो गए फरमाया ये भी सजा थी किस चीज की कि भे माँ जब उन्होंने मासीत की राह अख्तियार की Allah की नाफरमानी की राख तैयार की और हाथ से तजावज करने लगे तो फिर अल्लाह उनको सजा दी कि उनका मामला कुफर तक पहुंच गया फलम्मा अजाग जब वो टेढ़े हुए अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया जब उन्होंने गुनाह की राख तैयार की फिर दिल इतने सख्त हो गए कि उनको यह एहसास नहीं हुआ कि हम अल्लाह के नबी को अल्लाह के वली को अल्लाह के महबूब को कतल कर रहे हैं इसलिए इंसान को गुनाहों से बचते रहना चाहिए आप अगर गुनाहों को मामूली जानकर उनका इरतकाब करेंगे सजा के तौर पे एक और गुनाह आपके लिए आसान हो जाएगा इसलिए नेकियां करें ताकि अल्लाह ताला आपके दरमियान और गुनाहों के दरमियान कोई रुकावट कैम कर दें कोई दीवार कैम कर दें तो दाल के भी मासऊ यह इसलिए कि उन्होंने मासीत की राय अख्तियार की वकानू या तदन और वह हद से तजावज करते थे मासीत में और अतदा में क्या फर्क है इसमें एक राय यह है कि अलमासिया का मतलब यह है कि जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है उन चीजों का इरतका करना और अतदा का मतलब यह है कि वो अमूर जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया या जिनके करने के अल्लाह ने इजाजत दी उन अमूर में हाथ से आगे निकल जाना इस वजाहत के मुताबिक आप शराब पियेंगे तो क्या है मासीत है बदकारी करेंगे क्या है मासीत है सूद लेंगे क्या है मासीत है और जब जोहर की रखते हैं चार की बजाय पांच पड़ेंगे तो क्या है हाथ से बढ़ना है इतदा है हाथ से तजावज करना है अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया लेकिन अगर आप बहन की विरासत भी कब्जा करेंगे तो ये क्या है इतदा है, है। तो हद से तजावज करना तो असान या तून ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वह हद से तजावज किया करते थे उसके बाद अल्लाह इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं ऐत नंबर बासठ में इन मन आमन अबिलह फ़ल हम अजरुहम इन्दरअबिम वन आल वम यानू के बेशक वह लोग जो ईमान लाए और वह लोग जो यहूदी हुए व नसारा और ईसाई व सबइीन और बेदीन मन आमन अबिल्ल वलोमिल आखिर जो भी अल्लाह पर ईमान ले आए और आखिर पर ईमान ले आए और नेकअमल करे बस उनके लिए अजरुहम उनका अजर है इन द रब उनके रब के पास वला फुन उन पर कोई डर नहीं होगा और ना ही वो गमगीन होंगे मैं इस ऐत के अल्फाज और मुफरादात की वजाहत करने से पहले इस ऐत का ताल्लुक बयान करना चाहूँगा गुजश् ऐस से गुज्त आयत में अल्लाह ने बताया कि अल्लाह का गज़ब नाजल हुआ किन पर बनी इसराइल पर यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह उन पर नाराज हुए अल्लाह ने ज़िल्लत उनके ऊपर मुसलत कर दी अब सवाल पैदा होता है कि उस कौम में कुछ लोग नेक भी तो होंगे अल्लाह की इतात करने वाले भी तो होंगे मतकी परहेजगार भी होंगे क्या उनके ऊपर भी अल्लाह का गजम नाजुल हुआ क्या वो भी जिलील रस्वा हो गए क्या ज़िल्लत उनके ऊपर भी मुसलत कर दी गई जवाब इस ऐत में दिया गया नहीं ऐसी बात नहीं है मुसलमानों में से कोई यहूदियों में से कोई ईसाइयों में से कोई साब में से कोई अल्लाह पे ईमान ले आए सही मानों में और आखिर पे ईमान ले आए उसके नेकमाल ज़ाया नहीं जाएंगे उसको अजर मिलेगा और उससे डरने की जरूरत नहीं है और उसके ऊपर कोई गम नहीं होगा अब इसमें एक इश्काल पैदा होगा और कई लोग इश्काल पैदा करते हैं क्या कि क्या यहूदी अगर आज भी अपने दीन पे कायम रहे अपने दीन हक अदा कर दे तो वो जन्नत में जाएगा अगर कोई ईसाई अपने दीने ईसाइत पे कैमो दैम रहे सच्चा ईसाई हो तो क्या उसे कामयाबी मिलेगी क्या वो जहन्नम की आग से बच जाएगा इस इश्काल का जवाब बाद में देंगे पहले इस ऐद के अल्फाज और मुफरादात की तरफ आते हैं तो इन इनदीना आमनु बेशक वो लोग जो ईमान लाए अल्लदीन इसमें मौसू है अल्ली की जमा है आमनु फेल मादी है पास्ट का फेल है और ये लफज जमा के लिए कि वाहद के लिए जमा के लिए आम अनु वो ईमान लाए बेशक वो लोग जो ईमान लाए वल हादू और वो लोग जो यहूदी हुए हादू ये भी फेल मादी है और जमा के लिए है कि वो लोग जो यहूदी हुए वल नसारा और ईसाई नसरानी की जमा है ईसाई व साब ये साबी की जमा है किसकी जमा है साबी की असाबी ये इसम फ़ाइल है साबा आसे असाबी जमा क्या है साबी इन इससे मुराद कौन लोग हैं साबी लफ्जी मना क्या है साबा आ जो एक चीज से निकलकर दूसरी चीज में दाखिल हो जाए साबी कौन लोग मुराद हैं ये कौन सी कौम है इस बारे में उलमाए कलाम के बहुत से अखबाल हैं उनमें से सबसे बेहतर वो है जिसे हाफुद इबन कसीरम्ल्ला ने इतियार किया है और उन्होंने अतमाद किया है इमाम मुजाहिद के कौल पर इमाम मुजाहिद अब्दुल्ल्या इब्ने अब्बास के शगिर्द हैं रज़ी अल्लानुमा बहुत बड़े मुफसन हैं बहुत बड़े इमाम हैं बहुत बड़े मुहदस हैं इमाम मुजाह बिन जबर अलमखजूमी अलमक्की तो इमाम मुजाहिद के मौकफ का मफहूम इमाम जिन कथीर ने यह बयान किया है कि साबी से मुराद वो लोग हैं जो यहूदी नहीं थे ईसाई नहीं थे मुशर्कन में भी दाखिल नहीं थे मजूसी भी नहीं थे अलबत्त फितरत के फितरत के ऊपर कैम थे बल्कि कहा जाता है कि ला इला भी पढ़ते थे लेकिन उनके पास बायदा कोई दीन नहीं था जिसको बतौर शरीयत इख्तियार कर सकें जिसके ऊपर चल सकें और जिसकी रोशनी में अल्लाह की इबादत कर सकें बल्कि ये भी कहा गया है कि वो आस्ता आस्ता फरिश्तों की इबादत करने लगे सतारों की प्रोसेस करने लगे और कई अमरात और बीमारियाँ उनमें पैदा हो गई बहरहाल जो उस ज़माने के मशहूर अधीन थे वो कौन कौन से थे यहूदीत साइत मक्का वालों का दीन मजूसियों का दीन, और साबी जो थे वो इन अधान में से किसी भी दीन के ऊपर नहीं थे इसलिए उनके बारे में कहा जाता था कि तमाम अधियान को छोड़ के बेदीन हो गया है और इसीलिए शुरू शुरू में जब कोई मुसलमान हो जाता तो अहल मक्का उसके ऊपर तंज करते हुए कहते कि ये साबी है क्या मतलब ये तमाम अधियान को छोड़ के किसी नए किसी नए दिन को इसने इख्तियार कर लिया है अच्छा अब अन नसारा ये नसरानी की जमा है मैं कह चुका हूँ इनको नसारा क्यों कहा गया एक सबब यह बयान किया जाता है और हाफि ने कसीर ने भी जिक्र किया है कि ये नासरा शुरू से है वो ईमान लाने के बाद यानी कि यहूदी यहूदियत पे कैम थे फिर ईसा इस्लाम का ज़माना आ गया उन्होंने नबूवत का ऐलान किया रिसालत का ऐलान किया यहूदियों ने उनको नबी मानने से इनकार कर दिया लेकिन जिन लोगों ने उन्हें नबी माना उन पर ईमान लाए वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए एक दूसरे के मददगार बन गए तो इसलिए उनको क्या कहा गया नसारा और कुछ कहते हैं कि उनको नसारा इसलिए कहा गया कि वो एक जगह उन्होंने रहायश इख्तियार की और उस जगह को नस्नान कहा जाता था वहां पर ईसा इस्लाम भी ठहरे उनके साथी भी ठहरे तो उसकी नस्बत से इनको नसरानी कहा गया बहरहाल वजह कोई भी हो यह नाम उनका क्यों पड़ा नाम है कि इनका ईसाइयों का यह बात पक्की है अच्छा यहूदियों को क्या कहा गया हादू यहूदी हो गए यहूदी नाम कहां से आया इसमें भी कई इसबाब बयान किए गए हैं कई वजूहत हाँ बयान की गई हैं लेकिन यह बात पक्की है कि नाम यहूदियों का है तो एक सबाब यह बयान किया गया है कि मूसा अल इस्लाम ने कहा था अल्लाह तला से फी दुनिया हसना और फिल आखिरती हसना इनाद इन्ना ना इलेक अल्लाह हमने तेरी तरफ तोबा की हाद यहूद तोबा करना उसने तोबा की क्योंकि यहूदियों ने बछड़े की इबादत से तोबा की थी इसलिए उनका नाम यहूदी पड़ गया और कुछ कहते हैं इसलिए यकूब अली इस्लाम की औलाद में एक लड़के का नाम यहूदा था उसकी निसबत से इनको यहूदी कहा गया तो अल्लाह तला कह रहे हैं कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जो यहूदी हुए व नसारा और ईसाई व साब इन और जो साबी हैं मन आमन नबिल्ला जो भी अल्लाह पे ईमान ले आए वो आखिर पे ईमान ले आए यहाँ पे मिन हूं महदूफ है क्योंकि आम नबिल्ला आखिर क्या है सिला है सिला किसका मन का मन इसमें मौसू है और सिला में कोई जमीर होती है जो किधर लौटती है मौसू की तरफ तो असल में यूं है मन आ मना मिन हम बिल्ला आखिर इनमें से जो भी अल्लाह पे ईमान ले आए और आखरत पे ईमान ले आए और नेक अमाल बजा लाए तो उनके लिए अजर है आ ईमान ले आए अल्लाह पे वलियमिल आखिर और आखिरी दिन पे क्योंकि आखिरत के बाद क्या के बाद कोई और दिन नहीं है वह अमिलिया और नेक अमल बजा लाए अमल साले किसको कहते हैं जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो और नबी के तरीके के मुताबिक हो अमल अमले साले किसको कहते हैं जिसमें दो शर्तें पाई जाएं अगर कोई अमल नबी के तरीके के मुताबिक है लेकिन रियाकारी के लिए है लोगों से शबाश लेने के लिए है तो अमले साले नहीं है नेक अमल नहीं है और अगर कोई नेक कोई अमल अल्लाह की रजा के लिए है लेकिन नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है तो वो भी अमले साले नहीं है मिसाल के तौर पर पाको हिंद में बहुत से ऐसे काम किए जाते हैं इबादत के नाम पर जो नबी अलीम से साबित नहीं है मिसाल के तौर पर ईद मिलादुलनबी मनाना अब ये लोग जो ये काम करते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं हमें उनकी नीयत पे शक् नहीं है लेकिन क्या यह काम नबी अलीसम साहब कला ने किया नहीं किया तो यह अमले साले नहीं है तो अमले साले की दो शर्तें हैं जो मैं बता चुका हूं फला हूं बस उनके लिए होगा अजरुम उनका अजर उनका स्वाब इन दर रबी उनके रब के पास वाला और नहीं कोई डर होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे यह जनून फेल मुदारे है जमा के लिए है अब हमें शायद की तफसीर की तरफ आते हैं कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए इससे मुराद कौन है मुसलमान इससे मुराद कौन है क्योंकि कामल ईमान लाने वाले कौन हैं आप कह सकते हैं कि यहूदी भी तो मोमन है नहीं यहूदियों का तमाम रसूलों पर ईमान नहीं है यहूदियों का तमाम आसमानी किताबों पर ईमान नहीं है यहूदी इंजील पे ईमान नहीं लाते यहूदी कुरान पे ईमान नहीं लाते यहूदी ईसा इस्लाम पे ईमान नहीं लाते यहूदी मोहम्मद रसुल्ला ईमान नहीं लाते तो इन नल्लदी ने आम मनो जो ईमान इनके हर उस चीज पर जिसपे ईमान लाना वाजब है और ईसाई भी इससे मुराद नहीं हो सकते क्यों कि ईसाई कुरान पर ही नहीं लाते मोहम्मद रसुल्ला पर ईमान नहीं लाते तो इन नल्दी ने से मुराद पर कौन है मुसलमान उमते मोहमदिया तो बेशक वो लोग जो ईमान लाए हादू दूसरे नंबर पे वो लोग जो क्या हुए यहूदी हुए तीसरे नंबर पर नौीर इन जो भी अल्लाह ने कितने ग्रुप जिक्र किए थे चार, चार। मुसलमान यहूदी ईसाई साबी इन चारों में से जो भी अल्लाह पे ईमान ले आए वल विल आखिर आखिर पे ईमान ले आए वामिल सालिहा और नेक वामिलिहा नेकालजा लाए फल हम अजरुमदीम उनको उनका अजर उनके रब के पास मिलेगा उनका अजर ज़ाया नहीं जाएगा उनकी नेकियां ज़ाया नहीं जाएंगी तो अल्लाह ने पैगाम दे दिया कि बनी इसराइल में से जो नेक थे और दीन हक पे कैम रहे उन्हें इजर स्वाब मिलेगा अच्छा अब यहां पर वो इशकाल है जिसका जिसकी तरफ तो इशारा मैंने पहले किया था कि आज अगर कोई यहूदी अपने दीन पे अमल करे तो क्या इस ऐद के मुताबिक वो कामयाब है जन्नत में जाएगा ईसाई अपने दीन पे अमल करे क्या वो कामयाब है जन्नत में जाएगा साबी क्या जन्नत में जाएगा जवाब है कि नहीं क्यों पहले नंबर पे अल्लाह ताला बयान करना चाहते हैं कि बेशक मुसलमान अपने ज़माने में यहूदी अपने ज़माने में ईसाई अपने ज़माने में साबी अपने ज़माने में अगर अल्लाह पे ईमान ले आए आखरत पे ईमान ले आएँ नेकमाल बजा लाए तो उनको जरूर स्वाब मिलेगा यहूदी उस जमाने में जब अल्लाह के यहां दीन कौन सा पसंदीदा था यहूदियत और ईसाई उस जमाने में जिस जमाने में अल्लाह के यहां काबिल कबूल दीन कौन सा था ईसाइत उस जमाने में ये लोग अगर अपने अपने दीन पे मुकम्मल अमल करते रहे अपने अपने नबी पे ईमान लेकर आए अपनी अपने आसमानी किताब पे ईमान लेकर आए और उसके मुताबिक नेक माल बजा लाए तो इनको रोजे आखिर का जरूर स्वभाव मिलेगा कोई डर नहीं होगा कोई खौफ नहीं होगा कोई गम नहीं होगा लेकिन आज यहूदी अपने दीन पे अमल कर ले मुकम्मल तौर पे, ईसाई अपने दीन पे अमल कर ले मुकम्मल तौर पे, फिर भी वो जहन्नम की आग से बच नहीं सकेगा वो जहन्नम में जाएगा और हमेशा हमेशा वहां पे रहेगा जन्नत उसके ऊपर हराम है क्यों जी किस लिए नंबर एक यहूदी जब तक मोहम्मद पे ईमान नहीं लाएगा अलैहि वसल्लम कुरान पे ईमान नहीं लाएगा वो सच्चा यहूदी बन ही नहीं सकता सच्चा यहूदी वो है जो तुरात पे अमल करे तुरात पे अमल करेगा तो तुरात कहती है कि जो भी रसूल आए उस पर ईमान लाना होगा और आखिरी रसूल आएंगे उन पर ईमान लाना होगा वैसे भी अल्लाह ताला ने यहूदियों ईसाइयों से क्या ऐद लिया था लई नकम तुमसला व आते व आमन तुम भी अगर तुम नमाज कैम करो जक़ात अदा करो और मेरे तमाम रसूलों पर ईमान लाओ वाजर हम और उनकी मदद करो तब मैं तुम्हारे गुनाह ख़त्म कर दूंगा तुम्हें जन्नत में जगा दूंगा तो जब ये हमारे नबी पर ईमान नहीं लाते तो आमन तुम बेरसूली की खिलाफर्दी कर रही तो यहूदी यहूदी सच्चा यहूदी नहीं है जो मोहम्मद और पर ईमान नहीं लाता सल्ह ईसाई सच्चा ईसाई नहीं है जो जनाब महम्मदोला पर ईमान नहीं लाता तो एक तो सबब यह हो गया जिसकी वजह से हम उन लोगों की राय को गलत करार दे रहे हैं जो कहते हैं कि अधियान सब दीन ठीक है हर आदमी को अपने दीन पे सही अमल करना चाहिए और जन्नत मिल जाएगी नहीं ऐसा नहीं है दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला फरमाते इन दीन इन इस्लाम कि अब अल्लाह के यहां काबिल कबूल दीन कौन सा है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम वई अब तक गैर तस््लाम दीन उकबल अमिन जो दीन इस्लाम के अलावा को और दीन किसी और दीन पे चलेगा तो दीन काबिल कबूल नहीं।, नहीं है अफिल आख में खासरीन किसी और पे दीन किसी और दीन पे चलने वाला रोज आखरत खसारे में होगा घाटे में होगा नुकसान में होगा तीसरे नंबर पर हमारी गुजारश यह है कि नबी अलीसा तो इस्लाम फरमाते हैं सही अदीस है कि वल्ल नफसी बी अदी उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है ला यहा النار कि इस उम्मत का कोई भी आदमी मुझ पर ईमान लाए बगैर फोत हो जाए यहूदी हो या ईसाई हो वो जहन्नम में जाएगा आपने बता दिया इस उम्मत का यानी कि आपके आने के बाद अब ये उम्मत आपकी है उनमें से कई आप ईमान लाएंगे और कई ईमान नहीं लाएंगे लेकिन मजमूरी तौर पे वो आपकी उम्मत में से हैं तो जो भी आप ईमान नहीं लाएगा वो यहूदी हो या ईसाई हो आप कह रहे हैं वो जहन्नम में जाएगा तो खुलासा कलाम यह है कि इस ऐसे वहदते अधान का अकीदा आखज करना गलत है जो कामयाबी चाहता है जो जरूर स्वब चाहता है जन्नत चाहता है नबी अली अलीसम की आमद के बाद आपके लाने नबूत के बाद आपकी नबूत पे ईमान लाना होगा तमाम नबियों पे भी ईमान और आप पे भी ईमान पहली आसमानी किताबों पे भी ईमान और कुरान करीम पे भी ईमान पहली आसमानी किताबों के ऊपर ईमान कि वो अपने ज़माने में शरीय थी और कुरान करीम पे ईमान कि अब शरीत ये है और अल्लाह की सच्ची किताब है तो अल्लाह तला फरमाते हैं बेशक वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग तो यहूदी हुए और ईसाई और साबी जो भी अल्लाह पे ईमान ले आए आगर पे ईमान ले आए और नेक माल बजा लाए फलाम अजरहबिम तो उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास वला फुन आलिमजनू उन पर कोई डर नहीं होगा और वह गमगीन नहीं होंगे और यहां पर क्या कहा है उनके लिए उनका अजर है किसके पास? पास उनके रब के पास ये रबूबीत आमा है कि खासा रबूब खासा ये नहीं कहा कि उस रब के पास जो सबका रब है कहा उनके रब के पास तो ये अल्लाह की तरफ से प्यार की अलामत है अल्लाह की तरफ से मोहब्बत की अलामत है कि अल्लाह ताला इनको इनसे प्यार करता है इनसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं आहत पे ईमान लाते, है। लाते हैं अल्लाह के हर रसूल पे ईमान लाते हैं अल्लाह के तमाम फरिश्तों पे ईमान लाते हैं तकदीर पे ईमान लाते हैं अल्लाह ताला इनके बारे में कहता है कि मैं इनका रब हूं हालांकि अल्लाह सबका रब है लेकिन अल्लाह के महबूब बंदे ये हैं जिनको अल्लाह ताला तजाज़ बख्श रहा है वो बंदे ये हैं वला वलाफन अलैहिम और इन पर कोई डर नहीं होगा मुस्कबल का वला यह जनून और ना उन्हें माजी का कोई गम होगा उन्हें यह गम नहीं होगा कि हमारा माजी अच्छा नहीं था इसीलिए आज हमें सजा मिल रही है बल्कि उन्हें जन्नत मिलेगी अल्लाह की तरफ से नियमतें मिलेंगी इसलिए वो खुश होंगे कि हमने अच्छी ज़िंदगी गुजारी और कामयाब ज़िंदगी गुजारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक बख्शे और बनी इसराइल की रवश इख्तियार करने से बचाए अल्लाह तला हमें उन में शामिल फ़रमा ले जिन पर अल्लाह का इनाम होता है अल्लाह हमें इस बात से महफूज रखे कि हम उन में शामिल हों जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है अल्लाह तला हमें उनमें से बनाए जो कुरान करीम की एक एक आयत पर ईमान लाते हैं जो तमाम नबियों से मोहब्बत करते हैं जो मासीियत की राह से बचते हैं जो हद से तजावज नहीं करते और अल्लाह रबुल्ज़त हमें ये बात समझने की तोफ़ी दे कि अब कामयाबी सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के दीन में है आपकी शरीय में है यहूदियत में कोई कामयाबी नहीं ईसाईत में कोई कामयाबी नहीं सारे अधियन गलत हैं सारे अधियन बातल हैं एक ही दीन सच्चा है मौजूदा ज़माने में और वह कौन सा दीन है वो दीन जिसे जनाब अलैहि वसम लेकर आए हैं अल्लाह हमें उनमें से बनाए जिनके बारे में अल्लाह यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्हें रोज़े आखरत किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा किसी चीज़ का डर नहीं होगा कोई गम नहीं होगा व आखरदाना अनिलहमदल रबीआलमिन